Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ 18वां अध्याय श्लोक संख्या 31 से 40 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु धर्म धर्मं कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् जानाति बुद्धिः सापाशराजसी अधर्मं धर्ममिति या मान्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सापार्थतामसि हृत्यायाधारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारेण्या धृतिः सापार्थसात्विकी यातु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते जुना प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी
श्री रामचंद्रदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत हरे शरणम हरे शरणम
शरणम् हरे 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 शरणम् आज आई मन में कि आप सुनते हो ना, सुनने की बात समझ कर इसको दृढ़ पकड़ लो। सीधी बात है सर, बहुत थोड़ी बात है, अगर दृढ़ हो जाए तो कौन हो जाएगा। मानो मैं भगवान का हूँ और संसार भगवान का है, पर संसार भगवान का ये अपरा प्रकृति है, मैं भगवान का हूँ वो परा प्रकृति है। तो मैं और भगवान है एक जाति का है, संसार है जो जड़ जाति का है। इतनी सी बात है, हमें सच बात है। भगवान का मेरा संबंध घनिष्ठ है, ये कभी छूटता नहीं, और संसार का संबंध कभी टिकता नहीं। सही बात है, क्यों संसार मालिक बनाते गए नहीं, जवान टिके नहीं, बुढ़ा पटेगा नहीं, धर्मता टिके नहीं, निर्धनता टिके नहीं, संसारी कोई चीज टिकती है ही नहीं। इतनी बात सुनी, संसार की कोई बात भी टिकती नहीं। उसको अपना माना, अपना कैसे हुआ, अपना तो टिकने वाले हैं। भगवान का वर्ष भूमि आप अन्न वायु मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार इतने भिन्न प्रदर्शता अपरायम ये आठ प्रकार प्रति पड़ा है, जीव रूप पड़ा प्रकृति। तो हमारा क्या है कि संसार में हमारी कोई चीज है ही नहीं। तो संसार क्या, स्थूल शरीर, सूर्य शरीर, कारण शरीर, बहुत ही मार्मिक बात है, ये हमारा नहीं है। क्यों, शरीर छूटेगा और जागृत में स्वप्न में शरीर का भान रहता है, सुषुप्ति में कुछ बात नहीं रहता। तो सुषुप्ति में भी हम एक कार्य शरीर में रहते हैं, जो सूर्य शरीर का क्या है, कार्य है, और सूर्य शरीर क्या है, चिंतन है, और कार्य शरीर क्या है, स्थिरता है। इतनी सी बात ही है, याद कर रही थी जी, स्थिरता संचलता चिंता क्रिया है, कार्य है, पदार्थ और क्रिया, ये सूर्य प्रकृति पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तीन बात बता रहे, शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये बात खूब समझ नहीं है। शरीर मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार नहीं है। सूर सुर कारण तीनों शरीर संसार का है, ये संसार के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब इस बात को इतनी सी याद कर दी, बात हो रही। स्थूल शरीर में कार्य है, सूक्ष्म चिंतन है, और कार्य शरीर में स्थिरता है। मैं चिंतन और स्थिरता दोनों से राधा हूँ, ना मैं चिंतन हूँ ना मैं स्थिरता हूँ, मैं स्थिरता और चिंतन का जानने वाला हूँ। अपना स्वरूप है वो चंचलता है, कार्य करना तो स्थूल कार्य और क्रिया, पदार्थ और क्रिया, यह है सूर्य शरीर, और चिंतन है सूर्य शरीर,
और स्थिरता है कारण से ही है और मैं इनका प्रकाश हूं। स्थूल क्रिया मैं नहीं हूं, सूर्य क्रिया भी मैं हूं, स्थिरता भी मैं नहीं हूं। ये स्थिरता मैं नहीं हूं यह बात बड़ी गहरी है। मेरे कहने में संकोच होता है। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, संस्कृत के धुरंधर विद्वान, बड़ी बड़ी पोथियां इतनी थी, बड़ी बड़ी पोथियां संस्कृत में, वे भी कारण से ही समाधि है वो अपनी मानते हैं। है कारण से ही समाधि, कारण शरीर की समाधि, स्थिरता कारण शरीर की है, वे सिद्ध अवस्था मानते हैं। ऐसी विलक्षण बातें हैं कहीं, कोई बहुत विलक्षण बातें हैं। तो तीनों कार्य है, इनके देखने से एक मेरे बड़ा लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ? कि कामना का त्याग कठिन बना देता है। कामना का त्याग करो, कामना का त्याग की मुख्य बात है। अब कामना का त्याग करो कैसे? काम करे काम, कामना आई जाती है, त्याग नहीं है। और ये समझ जाएगा कामना स्थूल सूक्ष्म कारण में ही है। कामना और है ही नहीं, कामना है ही नहीं हमारे, अपने में कामना नहीं है। एक कामना क्या है? संसार का काम है तो कर्मयोग बहुत सुर हो जाएगा। संसार के लिए संसार ही संसार नहीं करती, भक्ति हो भगवान के लिए आप भगत दिया क्या नहीं हो तो फालतू चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है। कर्मयोग भक्ति आप अलग हो जाओ, ध्यान हो गया। यार योग बड़ा भारी मन है, महान 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 बड़ा, अपने आप ने शुरू में स्थिति होने का ज्ञान हो और संसार में स्थिति कभी हो और दोनों से अलग हो जाए, भगवान ही हो जाए तो भक्ति हो। अब इनमें कोई कठिनता दिखे तो आप पूछो, सीधी सारी बात है भाई, बहुत सरल बात है, सीधी बात है। ये बड़ी गहरी बात है। समाधि ऐसी के कई भेद है, समाधि का धर्म में घर समाधि सब विकल्प निर्विकल्प, सब विकल्प में सभी बीज पर सब विकल्प में एक शब्दानुबिध है, एक दृश्यानुबिध है, एक अभ्यंतर दृष्टानुबिध है, एक बाह्य दृष्टानुबिध है, एक और दोनों से आ रही तो बाह्य विकल्प समझ में कई भेद है। कूड़ फोड़ दे कुछ नहीं, पढ़ाई करने बंदी है फोड़ के गए, तो आप करिए बस होता है खुद फोड़ देगा लेना। सीधी बात होती है कैसे सदा काम धंधा करना, बाहर का पदार्थ क्रिया है दो पर करती है। आपका स्वरूप पदार्थ क्रिया से नहीं थे, आप चेतन है, अचेतन है क्रिया पदार्थ, अचेतन है चेतन है दोनों प्रकार जानने वाला। तो खास बात क्या है कि मैं चेतन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है। क्योंकि शरीर मेरा हो तो मेरी वर्दी को बंद कर सकू मैं शरीर को। इतनी बढ़िया बात क्या बताता है पुस्तकों में देखने से। ये भगवान की कृपा हुई मेरे पर जो उन्हें पढ़ा दिया तो वह मुझे बताई कृष्ण शास्त्र में क्या लिखा है, क्या लिखा हम हो जाओ हमारे कहा था ये पढ़ता सब महाराज मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो महाराज गुरु जी ने कहा कि अभी पढ़ रहे बूढ़े हो जाते, बूढ़े साधु पैसे पढ़ते हैं संस्कृत बिल्कुल हो जाती है, अभी सीख रहे वह मर जाएगा। सब सुन कहा वह रह जाएगा अगर क्या लिखा है, उसको शरीर से क्या मानता है, वो क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं,
सब व्यापारी में जगह है, क्या ठीक है, इसे पढ़ाई न पढ़ाई मैंने मेरे तो कुछ न पढ़ी, लेकिन पढ़ाई में वर्ष लग गया, लंबा हो गया समय ने पढ़ाई है बैठे उस समय ने पढ़ा जी मैं तीन चार वर्ष लग गया छोड़ी पढ़ाई सीधी सारी बात है, सीधी सारी बात है। संस्कृत विद्या बहुत सुगम है, लोगों ने बहुत खुशी मांगना भी करे, थोड़ी याद करनी पड़ती है, बहुत जल्दी सूख जाए। बड़ी सीधी सीधी बात, सूर सूक्ष्म काल सब प्रकृति है, प्रकृति है कार सही सब प्रकृति, ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव रूप, ये प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा एक एक जाति है, चेतन है और अपरा प्रकृति चल है, तो अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज रहती हुई भी है, इतनी सी जानने की बात है। यह बात बहुत गहरी है, मैं बात करता हूं उसमें एक आत्मसाज आती है, मैं कह रहा हूं कई व्याख्यान में सुन लो आप बात मिलेगी नहीं, सैकड़ों जगह सुनमती मिलेगी, अनंत ब्रह्मांड में हमारी रहती बड़ी चीज रही है, यह बात बहुत दावी है, हमारी चीज जग जगते हमारा तो भगवान है, भगवान का मानस है, भगवान हमारे हम भगवान के, ऐसी चीज हमारी क्या है, अनंत ब्रह्मांड रहती बड़ी चीज नहीं है अपनी, आप हमें मतलब बहुत बढ़िया लगी है, पढ़ाई बात ही नहीं, पढ़ाई मेरे में नहीं लगी, ऐसी बात है। अब आप ये सीख जाओ, देखो एक बात कह दो कहने में संकोच होता है, मैं कहूँ मेरी बातें ठीक से सुनेंगे हर एक व्याख्यान बाद में मन नहीं लगेगा, ये बात है, परंतु आप बात कहने में नहीं है, अपन ऐसी बनता है, अरे बढ़िया नहीं है, बात है इसकी, साफ जड़ चेतन का विभाग किया हुआ, जड़ विभाग है अपरा प्रकृति, चेतन विभाग है परा प्रकृति, परमात्मा है तीन बात है, परा प्रकृति जीवात्मा परमात्मा का अंश, तो परमात्मा हमारा संबंध है, संसार का हमारा संबंध नहीं है, और संबंध के विषय में मेरे को बहुत बात बढ़िया मिली है, जो संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती, जो मिलते हैं उनसे ज्यादा भगवान होते हुए बहुत दामी बात है, यहाँ याद ही करे जो संयोग होगा बिछड़ गया वो हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज भगवान है, जो संयोग होता नहीं वियोग होता नहीं, सदा साथ रहते, साथ छोड़ते ही नहीं भगवान, भगवान का साथ कभी छूटते ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूट सकते ही नहीं कभी, भगवान नाम एक है, संसार के साथ हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, संसार जोर लगा तो नहीं रहता, हम जोर लगा तो नहीं रहता, संसार हरदम छूटता है, हरदम छूटता छूटता, जिसको छूटा है वो छूटा हुआ है, जिसको पढ़ना वो पढ़ा हुआ है, संसार को छोड़ना छूटा ही हुआ है, संसार पकड़ में आता ही नहीं कभी, और परमात्मा दूर होते ही नहीं कभी, सीधी सीधी बात है, टकाशी याद इतनी सी बात, तो परमात्मा ने प्राप्त किया, परमात्मा हमारे हैं, उसको माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु जी मानो, कुछ मानो, भगवान है, भगवान गुरु जी मान लो, भगवान चेला मान लो, भाई किसी तरह संबंध भगवान साथ दूर दो, वो संबंध आपका रहेगा, है संसारी संबंध रह गई नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें वृत्ति भी चीज अपनी नहीं है, सब जड़ चीज नाशवान है। एक और बात विलक्षण मैं पुस्तक पढ़ी, संसार में तो वृत्ति भ्रम चीज नहीं है,
और संसार में हम उद्धार कर सकते हैं। हम संसार से हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम संसार से दे सकते हैं। इस बार संसार से आप बड़े हो, संसार आपसे छोटा है। पुस्तक मिली मैंने पुस्तक बहुत गरीब आता पता नहीं ना मेरे को संसार बहुत बड़ा है, हम छोटे से शरीर को मानने से अपने को सही मानने से मैं छोटा हूँ, संसार बड़ा है। आप चेतन हो परमात्मा का अंश हो, आप बड़े हो परमात्मा के साथ साथ परमात्मा है, संसार छोटा सा है। आज मन में आई कहती बात में दृढ़ रहना है, मैं जो स्वरूप हूँ मैं स्वरूप जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ परमात्मा का अंश हूँ साक्षात। शरीर अन्न ब्रह्मांड सब जड़ है, जड़ सब जड़ है, प्रकृति का कार्य है, हमारी चीज नहीं हमारी प्रकृति का कार्य, इसमें रद्द पर चीज हमारी नहीं है। शरीर स्थूल सूक्ष्म कार्य हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार का संसार के लिए है। अब इतना मानते ही शुभ कर्म योग बहुत शुभ हो जाएगा और कामना छूट जाए, आप कामना करेंगे पर ऐसी चीज कामना कैसे करें, संसार की कामना रह ही नहीं सकती। अब देखो भाई हमें बहुत कठिन मालूम दी थी कामना का त्याग, बहुत कठिन मालूम दिया मेरे को, और इतना शुभ है कामना करने की बात बात नहीं मानी है, कामना करना वही माने, कामना त्याग तो सूत्र ही से जड़ चीज हमारी है ही नहीं है, संसार की संसारी सेवा में लगा देना कामना किस बात की, संसार चीज संसार को दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना किस बात की। बहुत विलक्षण बात मिली है हमारे तो बरसों तक कही कामना त्याग बड़ा कर देने बड़ा कर देने, हमारा अनुभव है तो देखो रे कामना है तो सब सब भी है, त्याग हमारी है चीज नहीं, हमारी हमारी चीज है ही नहीं, संसार की चीज है, कामना करना भी मानी है, कामना त्याग सोते है, हम भगवान के हैं, संसार संसार है प्रकृति का है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक छोटी पुस्तक है मैं वास्तविक वास्तव कल्याण सत्य की स्वीकृति कल्याण, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सारा है। आप यू पढ़ा पुस्तक देखो छोटी सी पुस्तक एक रुपये की उसी में एक लेख दिया है विचार करे, हाँ विचार करे विचार किया लेकिन कम नहीं पड़ा, एक रुपये में तो कम ही पड़ती है, विचार के साथ मिला दिया तो एक रुपये तो हुए, विचार करी बहुत बढ़िया चीज है, सीधी सारी बात है। जड़ हम नहीं, हम परमात्मा के हैं, जड़ संसार है, संसार हमारी उसी है ही नहीं, ना सुख है ना सुख सुने का हमारा ही, ये बात बहुत दामी है, आप आदर करें ना करें बात अलग है, नहीं मिलती व्याख्या में नहीं मिलती, हमने बरसों तक कही हमारे व्याख्या में नहीं होती, हमारा पूरा व्याख्यान देखो नहीं मिलेगी, ये मिली हुई चीज है, ये पढ़ाई में नहीं आती, पढ़ाई में नहीं आती का अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में बड़ी है समझ में नहीं आती, समझने के बाद पुस्तक होती है, समझे नहीं तब तो तुम पढ़ते रहो रात में पढ़ते रहो समझ नहीं आते, सीधी साधी बात है, सरल बात है, संसार ही है, अन्न ब्रह्मांड में हमारी वृत्ति वृत्ति हमारी नहीं है, हम चेतन चेतन हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के संसार सही संसार का छोटी बात है, बहुत मानवीय बात है, संसारी सेवा संसारी संसार बुद्धि कर्मयोग हो गया, अरे भगवान जी भगवान की भक्ति हो गया, अरे आप अलग हो गया ज्ञानी हो गया, आप चेतन अलग हो गया ज्ञानी हो,
चाहे भगवान हो देते या भक्ति हो या संसार हो कर्मी हो, कितनी सीधी सर बात है, कितनी साफ बात है, कितनी साफ बात है। शंका करो सब शंका करो। महाराज कारण शरीर का कार्य जो मिलता है उससे भी उपराम होना है, कारण शरीर जो कि स्थिरता का स्वरूप है उससे भी ऊपर उठना है क्या? हाँ ये बात बड़ी कहरी है, बहुत बढ़िया बात मुझे है। स्थिरता से ऊंचा उठना क्या होगा? चंचलता की अपेक्षा स्थिरता, स्थिरता चंचलता एक जाति है। कोई खा रहा मीठा तो मीठा जो खा रहा था एक ही जाति है, इंसान का स्थिरता। और क्या स्थिरता है? वो कारण में स्थिरता है, वह स्थिरता में समाधियां है, समाधि से अपनी है, अपनी है ही नहीं, बिल्कुल कारण शरीर की है। आप बात कुछ तो पढ़ने में नहीं आवा है, पढ़ने में समझ में नहीं है, हमारे नहीं है भाई, आप जाना हमारे समझ में आए, 10-12 वर्ष 15 वर्ष पढ़े समझ में नहीं, संतों की कृपा से समझ भाई, सुनने से, कोई हमारे घर की नहीं है, सुनी सुनी सुन सुन जाओ, मुझे भी बात है। तो स्थिरता से बता क्या भाई, स्थिरता स्थिरता को क्या तय होती है? स्थिरता को बनता है स्थिरता को जानना, जानना जानना ज्ञान, घड़ी घड़ी का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, ऐसे स्थिरता का और संतता का ज्ञान, दोनों स्थिरता चीज है, इतना संतता है, इसका जो ज्ञान है वो बड़ा है, सीधी सारी बात है। अब स्थिरता में कहा जाएगी, अब ये मालूम दे रहे हैं, अरे स्थिरता है वो भी एक चीज है, स्थिरता चंचलता हो गई, अवस्था होती है, सहज अवस्था है, सहज अवस्था उत्तम है, सहज अवस्था शास्त्र में सब लिखी है, हमारे ऋषि मुनि ने कभी नहीं रखी है। मैं शास्त्र में नहीं मिली ये जो कहता हूँ, ये मेरी बात कहता हूँ, शास्त्र की बात नहीं कहता हूँ, हमारे को नहीं मिली, पर शास्त्र में बहुत गहरा, जितने ऋषि मुनि गहरे उतरे हैं, मैं तो किसी देश की किसी भाषा में ऐसे गहरे उतर नहीं है, इतना गहरी है बड़ी गहरी गहरी बात है। वर्णमाला गई, वर्णमाला होता है ना, महाप्राण है, महाप्राण प्राण खर्च ज्यादा हो गए, प्राण खर्च ज्यादा होते है, दूसरे और चौथा, दूसरे और चौथा अवसर, दूसरे अवसर चौथा अवसर, ये महाप्राण है, पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है, ऐसी वर्णमाला कोई नहीं देखी मैंने, पच्चीस प्राण है, मां प्राण है, कहते ने जो बात कही है बहुत विशेष हुई है, बहुत विचित्र बात, ऋषि महात्माओं की बात है विचित्र बहुत, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद है, एक कान धोना बहुत बढ़िया समझते थे, आज कान में पानी गाना खराब समझते, खुद खुद डॉक्टर नहीं पूछो, खुद ही बात है, खुद रही कदी है ऐसा कदे ही नहीं करो पानी गा तो बात है, विश्वास है भगवान में लग जाओ, भगवान सुसार जुड़े हुआ, आपके
संसार छोटा सा है। आप बोले आप चेतन हो, आप संसार जानता नहीं, संसार आप जानते हो, संसार आपको नहीं जानता, आप संसार को जानने वाले हो। यह दो बात याद कर दो शंका करो, आप संसार को जानते हैं, संसार आपको नहीं जानता, तो आप सच ही झूठे गहरा विचार करो, गहरा विचार। सब संसार जानने वाला है, संसार जानने में जानना बंद नहीं होता, जानने में सारी दुनिया को जान लो तो ही जानना है, जो इतना खाली है जगह, बढ़ते ही जाओ बढ़ते ही जाओ, कभी बढ़ते ही नहीं, ज्ञान अपार है। प्रज्ञ होना, स्थित प्रज्ञ होना और गुणातीत होना, ये भी कोई एक स्थिर अवस्था के समान ही है या इससे विलक्षण है? नहीं हो जाएगा, ये भी ये हमारा साधन है, सिर्फ वही हमारा साधन है, वो सिद्ध हो जाएगा भाई, समाधि 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 से हो जाएगा, समाधि बिना भी हो जाएगा। ये सहज समाधि नहीं है क्या? स्थित प्रज्ञ और गुणातीत सहज समाधि आ जाते, सब सहज समाधि अंतर्गत है सब, और तुम्हारा सहज अवस्था सहज अवस्था कर्म योग ने कहो गीता मंगते हैं, सहजन कर्म कौन थे सतोष मंगते, सहजन कर्म सहज कर्म का कर्मयोग सहज अवस्था, सहजन कर्म कौन थे सतोष मंगते, सर्वानंद जो कर्म गति मानते हैं सहज अवस्था है, ये सहजा तो ज्ञान ने नहीं बताया है, कर्म ने बताया है। अर्जुन स्थित प्रज्ञ हुए, सहजावस्था में हुए, गुणातीत हुए, क्या हुए वो भगत हुए। अर्जुन के लिए भक्ति गई एक जगह, एक ज्ञान बात एक जगह गई, तब दीपन बात परिप्रश्न उपदेश ज्ञान ज्ञान प्रश्न एक जगह आई है, दो जगह आई। गीता पढ़ने वाले ज्ञान लगे भाई, कहीं भूल जाते हैं तो बता देना, ज्ञान ज्ञानी भाई ज्ञान ही उपदेश देंगे, ज्ञान का नहीं उपदेश, मैं तो भगत उपदेश देता हूँ, अच्छा आवाज सुनो ज्ञान ही कहीं तो बहुत बीच बीच नए नए अर्थ हो, नए नए नारायण नारायण नारायण।